अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू रिलेटेड टू द सेम टाइप दैट इज इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम इंटीग्रल 1 2 3 एरेज एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले यहाँ पर हियर लोअर लिमिट ए इक्वल टू 1 अपर लिमिट बी इक्वल टू 3 एफ एक्स इज इक्वल टू ए रेज एक्स। उसके बाद हम एच के लिए फॉर्मूला लिखेंगे एच इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन देयरफॉर एच इज इक्वल टू बी की वैल्यू 3 माइनस ए की वैल्यू 1 अपॉन एन देयरफॉर एच इक्वल टू 3 माइनस 1 2 अपॉन एन। या वी कैन राइट एन एच इज इक्वल टू 2। तो इसे हम बॉक्स कर देते हैं। फिर उसके बाद हम एफ एक्स की ओर जाते हैं। एफ एक्स हमारा था ए रेज एक्स सो वी रिक्वायर एफ ऑफ ए प्लस आर एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। ए की वैल्यू क्या थी 1 कि जो मैंने ए की जगह पे रिप्लेस की 1 प्लस आर एच सो इज इक्वल टू। अब एफ एक्स का आंसर है हमारे पास ए रेज एक्स। सो ऑन सेम लाइन एफ ऑफ 1 प्लस आर एच का आंसर होना चाहिए ए रेज 1 प्लस आर एच। इसे मैं अगर और सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये हो जाएगा ए रेज 1 इंटू ए रेज आर एच। तो ये हो गया स्प्लिट उसका बाय यूजिंग इंडाइसेस रूल। तो उसके बाद हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला हमारा था बाय डेफिनेशन इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी समेशन आर टेक्स वैल्यू 1 टू एन एफ ऑफ ए प्लस आर एच इंटू एच। सो देयरफॉर लेफ्ट में हम क्वेश्चन लिखते हैं इंटीग्रल 1 टू 3 ए रेज एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी समेशन आर टेक्स वैल्यू 1 टू एन। अब एफ ऑफ ए प्लस आर एच एफ ऑफ ए प्लस आर एच की वैल्यू थी यहाँ पर ए इंटू ए रेज आर एच ए इंटू ए रेज आर एच इंटू वी राइट एच एज इट इज। अब यहाँ पर ऑब्जर्व किया तो समेशन नोटेशन आर के ऊपर है तो आर रिलेटेड टर्म वहाँ पे रहेंगे समेशन के अंदर और ए एंड एच ये दोनों कांस्टेंट टर्म है कि जिसे मैं समेशन नोटेशंस के बाहर लिखता हूँ। सो इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एच इंटू समेशन आर टेक्स वैल्यू 1 टू एन ए रेज आर एच। इसे हम अभी फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एच टर्म एज इट इज ब्रैकेट के अंदर आर की वैल्यू सबसे पहले हम 1 लेते हैं तो हमें मिलेगा ए रेज एच देन टेक आर इक्वल टू 2 तो ए रेज 2h आर इक्वल टू 3 3h प्लस डॉट डॉट प्लस लास्ट वैल्यू आर की n है तो हमें आंसर मिला ए रेज एन एच। अभी ये जो टर्म है ए रेज h ए रेज 2h ए रेज 3h डॉट डॉट ए रेज एन एच ये सब टर्म है जीपी में। सो सिंस ए रेज एच ए रेज 2h
a raise 3h dot dot up to a raise nh. R in geometric progression with first term कि जिसे मैं कैपिटल ए से डिनोट करता हूँ वो है ए रेज एच एंड कॉमन रेशियो कि जिसे मैं कैपिटल आर से डिनोट करता हूँ कैसे फाइंड आउट करेंगे सेकेंड टर्म दैट इज ए रेज टू एच अपॉन फर्स्ट टर्म ए रेज एच सो ऑन सिंप्लीफिकेशन ए रेज टू एच माइनस एच बाय यूजिंग इंडाइसेस लॉ. So finally, we get answer R common ratio as a raise h. उसके बाद हम GP का summation के लिए formula apply करते हैं. Is equal to next step will be limit n tends to infinity. A h we write as it is. और जो bracket का term है उसके लिए हम GP का समेशन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. फॉर्मूला था ए ब्रैकेट आर रेज एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन ब्रैकेट कंप्लीट. सो इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एच ब्रैकेट ए को हम रिप्लेस करेंगे ए रेज एच ब्रैकेट में आर आर को रिप्लेस करेंगे ए रेज एच और उसकी पावर एन है तो टोटल टर्म हो गया ए रेज एन एच माइनस वन अपॉन फिर से आ रहा है तो हो गया ए रेज एच माइनस वन उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट. सो इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एच ब्रैकेट वी राइट ए रेज एच ऑल्सो सेम बट इन ब्रैकेट ए रेज एन एच. अब एन एच की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में निकाली है ओ है टू सो एन एच को मैं रिप्लेस करता हूँ टू से तो ब्रैकेट का टर्म हो गया ए स्क्वेर माइनस वन अपॉन ए रेज एच माइनस वन स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट सिंस एन एच इज इक्वल टू टू. तो अब यहाँ पर अगर हमने ऑब्जर्व किया तो लिमिट जो है वो एन के ऊपर डिपेंड करता है और हमारे टर्म है रिलेटेड टू एच. सो सिंस as n tends to infinity h h की वैल्यू थी हमारे पास 2 अपॉन n सो दैट 2 बाय इन्फिनिटी इन्फिनिटी को अगर 2 से 2 को अगर इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर मिला 0. सो देयरफॉर एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी h टेन टू ज़ीरो. तो यहाँ पर मैंने लिमिट को क्या किया चेंज किया. सो अब हमें मिलेगा टर्म ऑब्जर्व किया तो यहाँ पर ए एंड ए स्क्वायर माइनस वन एक कांस्टेंट टर्म है कि जिन्हें मैं लिमिट से बाहर रखता हूँ ए ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस वन इनटू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है उसे मैं अब रिप्लेस करता हूँ h टेंड्स टू ज़ीरो और लिमिट में टर्म रह गया हमारे पास ए रेज एच इंटू एच अपॉन ए रेज एच माइनस वन. अब ये जो टर्म है उनको मैं रीअरेंज करके ऐसे लिख सकता हूँ इज इक्वल टू ए ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस वन पहले दो टर्म मैंने एज इट इज लिख दिए उसके बाद लिमिट
एच टेंड्स टू ज़ीरो, नेक्स्ट न्यूमरेटर का टर्म था एरेज एच, अपॉन डिनोमिनेटर में मैं ऐसे लिख सकता हूँ लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एरेज एच माइनस वन अपॉन एच। उसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सो ए ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस वन इंटू एच की वैल्यू ज़ीरो रिप्लेस करता हूँ मैं यहाँ पर, तो यहाँ पे मुझे मिला एरेज ज़ीरो अपॉन लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एरेज एच माइनस वन अपॉन एच। तो ये लिमिट का फॉर्मूला है कि जिसका आंसर आता है लॉग ए। सो इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में हमें आंसर मिलेगा ए इंटू ए स्क्वायर माइनस वन इंटू एरेज ज़ीरो मीन्स वन अपॉन लॉग ए। सो फाइनली ए ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन लॉग ए। सो इसी तरह मैंने क्वेश्चन नंबर टू कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर टू था इंटीग्रल वन टू थ्री एरेज एक्स डी एक्स कि जिसका हमें आंसर मिला ए ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस वन ब्रैकेट कंप्लीट अपॉन लॉग ए। सो इसी तरह डेफिनाइट इंटीग्रल की टाइप नंबर वन हमने कंप्लीट कर दी। अब हम देखते हैं टाइप नंबर टू कि जिसे मैं डिनोट करता हूँ बी से, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। और पूरे पार्ट को हम अंडरलाइन करते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहला डेफिनेशन स्पेसिफाई करता हूँ। लेट एफ बी द कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी उसके बाद इफ इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स कि जिसका आंसर सपोज हमें मिल रहा है फाइव एक्स देन इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स तो इसका आंसर हमें मिलना चाहिए फाइ एक्स स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट लोअर लिमिट ए टू अपर लिमिट बी। उसके बाद हम क्या करेंगे, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर सबसे पहला अपर लिमिट को रिप्लेस करेंगे तो मुझे आंसर मिलेगा फाइ ऑफ बी देन कंपलसरी माइनस साइन बाय रूल एंड देन एक्स की जगह पे हम लोअर लिमिट रिप्लेस करेंगे। सो हमें आंसर आएगा वहाँ से फाइ ऑफ ए।